करेंगे जिसका नाम है रियल नंबर और उसकी एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपने एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 अ कंट्रीब्यूशन वाज मेड फॉर अ पार्टी ऑफ स्टूडेंट ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड एज मच एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट द कलेक्टेड अमाउंट वाज रुपीज 8,464 फाइंड द अमाउंट पेड बाय ईच। यहां पर जो एक कंट्रीब्यूशन किया गया है पार्टी के लिए स्टूडेंट से, आपको ये बताना है कि हर स्टूडेंट ने कितना कलेक्शन उसमें पार्टी में दिया है, जिसका टोटल अमाउंट इन्होंने हमें बता दिया है कि 8,464 रुपए अमाउंट आया है। 8,064 रुपए अमाउंट आ गया है तो इसमें आपने बताना है कि कितने स्टूडेंट ने कितना कितना कलेक्शन दिया है। सॉल्यूशन टोटल अमाउंट 8,464 ईच पैड रुपी, ये आपने मालूम करना है। ठीक है, तो समय पहले हम लिख लेते हैं 8,464। अब ये देखिए दोनों पेयर्स बन गए 84 एंड 64। इसके लिए वही टेबल आप यूज करेंगे जिस तरीके से आप अभी दूसरी एक्सरसाइजेस में करते हुए आए हैं स्क्वायर रूट के लिए। तो 9 का टेबल हमारा यहाँ पर लग रहा है, देखिए 2 लगाएंगे 2 2 4 आएगा क्योंकि आपका 84 का पेयर बन चुका है। 3 3 9 ये भी कम हो रहा है, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81। तो 81 यहाँ पर फिक्स हो रहा है। अगर हम 10 का लगा लेते हैं तो वो 100 कर देगा, 10 10 100। तो हमने क्या किया 9 9 81 माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर हमारा 3 आ जाएगा, 9 यहाँ पर आ जाएगा, 9 9 18। अब ये 64 यहाँ पर आ जाएगा, ये बन जाएगा 364। अब 364 के लिए आपको 18 के साथ ऐसा टेबल पढ़ना है कि आपका 364 आ जाए। 1 का टेबल लगाएंगे तो 181 आता है, तो हमने 2 का टेबल लगाया तो हमारे पास वैल्यू आई 364। ये खत्म हो गया, इन दोनों का प्लस कर देंगे, 2 + 2 = 4, 8 का 8 1 का 1, ये 2 हमारा यहाँ पर चले जाएगा। तो हमें पता लगा द अमाउंट पेड बाय ईच स्टूडेंट रुपीज 92। ईच स्टूडेंट ने जो हमें जो दिए हैं वो 92 ने जो है क्या किया पैड किए हैं। ठीक है, जिसका टोटल अमाउंट हमारे पास मौजूद था 8,464। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 10,816 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। स्क्वायर कहते हैं हम चारों साइड्स वाले को, ठीक है, जो चार साइड होती हैं। ठीक है, तो अब आपने यहां पर जो है एक साइड जो है वो मालूम करके बतानी है। यहां पर आपको चारों साइड की जो इसने वैल्यू बता दी है कि 10,816 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो आपने एक साइड जो है मालूम करके बताना है कि कितने मीटर का है। तो हम लिखेंगे 10,816, ये दो पेयर बन गए 16 और 08, 1 सिंगल रह गया, 1 1 1 1 इधर चलेगा, 1 + 1 = 2। अब ये 0 आ गया, 0 एक नीचे उतार दिया, 0 को 0 से ही खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे 0 यहाँ पर आ जाएगा, 0 का 0 2 का 2। अब ये 8 हमारा रिमाइंडर नीचे आ जाएगा, 16 का 16, ये हो जाएगा 816। अब 20 के साथ आपने ऐसा टेबल पढ़ना है कि आपका 816 आ जाए। तो हमने जो है यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ा वो भी कम लग रहा है, 3 का पढ़ा वो भी कम था, तो हमने 4 का टेबल पढ़ा यहाँ पर, तो 816 आ गया। इन दोनों को प्लस कर देंगे, 4 + 4 = 8, 0 का 0 2 का 2। तो हमारे पास वन साइड की जो वैल्यू आई है वो आई 104 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि आपका जो एक साइड है उस पर 104 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सोल्व हुआ। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इन अ स्कूल असेंबली 1129 वर स्टैंडिंग इन रोज such that the number of rows are equal to the number of student in a row, find the number of student to complete square of rows। school ki assembly mein 1129 student rows mein khade hue hain, theek hai, aur har row mein equal student khade hue hain। theek hai, aapko jo hai ye batana hai ki jitni
आपको बता रहे हैं कितनी रोज हैं और उसे आपने परफेक्ट स्क्वायर करके बताना है। सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1129, नंबर ऑफ स्टूडेंट टू मैक स्क्वायर 33 स्क्वायर। ये अभी हम जब सॉल्व करेंगे उसके बाद आपको पता पड़ेगा 33 स्क्वायर कैसे है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमें स्क्वायर करना वैल्यू आ गई 1089। अब आपने मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लीव टू मैक स्क्वायर, तो बताएं कितने स्टूडेंट ने जो लीव किया था कि हमारी जो है स्क्वायर कंप्लीट ना हो सका, ठीक है, वो आपने बताना है। तो इसको हमने ये बता दें कि जब स्क्वायर ने लीव किया था वो स्टूडेंट थे हमारे पास 40 स्टूडेंट थे जिन्होंने इसको लीव किया था, ठीक है। तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। 11 और 29 का पेयर बन गया, 29 का पेयर अलग है, 11 का पेयर अलग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 का जब भी लगाते हैं तो 2 2 4 बहुत कम हो जाता है, 1 का भी नहीं लगा सकते, तो हमने 3 का लगाया यहाँ पे, 3 3 9। अगर 4 का लगाएंगे तो वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 11 है, 3 3 9, 11 माइनस 9 रिमाइंडर 2, ये 3 हमारा ऊपर चले जाएगा, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा आपका 6, और ये 29 आपका नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 229। अब 229 को डिवाइड करने के लिए आपको 6 का 6 के डबल के साथ ऐसा डबल पढ़ना है कि आप पर 229 आ जाए। तो हमने 2 का डबल पढ़ा तो वो कम हो रहा था, 3 का डबल पढ़ा तो आपकी यह वैल्यू आई, अगर 4 का पढ़ा है तो वो इससे ज्यादा वैल्यू आ रही है, तो हमारी वैल्यू आई 189। इसको हमने माइनस किया तो रिमाइंडर हमारा 40 आ गया। तो अब देखा जाए तो 33 का जो स्क्वायर आ रहा था वो इसके करीब आ रहा था, तो इस 33 को हमने यहाँ पर रखे, इसका स्क्वायर बना दिया, ठीक है। और इसी तरीके से जो लीव हुए थे बच्चे हमारे, इसने हमें बता दी कि 40 बच्चे जो है आपके लीव करके गए। अब मैं इसको आगे नहीं बढ़ा सकता, आगे बढ़ाऊंगा तो आपका जो है वो पॉइंट आ जाएगा, हमें पॉइंट में नहीं बनाना, उन्होंने कहा है कि आपने कंप्लीट स्क्वायर करना है, कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हमारी वैल्यू यहीं पर ही रुक जाएगी। 33 हमारा इसी वजह से आया कि आगे हमारी वैल्यू नहीं बढ़ सकती। तो आपका ये पता पड़ गया इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट लीव टू मैक स्क्वायर 40 स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ, तो आइए अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड 1832 स्क्वायर मीटर, इट्स ब्रेथ इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। एक एरिया है रेक्टेंगुलर शेप के अंदर जिसका इन्होंने हमें स्क्वायर मीटर बताया है कि 1832 है, आपकी चौड़ाई जो है वो हाफ ऑफ लेंथ है, ठीक है। आपको ये मालूम करना है उसकी लेंथ को मालूम करना है उसकी फील्ड की। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 1832, लेंथ ऑफ फील्ड आपने मालूम करनी है, ब्रीथ इज हाफ ऑफ लेंथ आपके पास है 42/2=21। ये किस तरीके से आएगा यदि मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन में, लेंथ ऑफ फील्ड जो आपकी आएगी वो आएगी 21 मीटर। 1832 और 18 का यहाँ पर पेयर बन गया, 2 2 4 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, यहाँ पर 18 है तो इस वजह से हमने 4 4 16 लगा दिया, 4 इधर चले जाएगा, 4 प्लस 4 = 8, 18 - 16 रिमाइंडर 2 आ गया, यहाँ पर 32 का 32, अभी बन गया 232। अब 8 के डबल के साथ आपने ऐसा डबल पढ़ना है कि 232 आ जाए। हमने 1 का डबल पढ़ा तो वैल्यू हमारी कम आ रही थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 का डबल पढ़ा तो हमारे पास जो वैल्यू आई 164 आई। 232 में से हमने माइनस किया 162 को, तो ये आ गया हमारे पास 68। ये 68 आ गया यहाँ पर। अब ये वैल्यू हमारी बड़ी हो गई तो हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो हाफ ऑफ लेंथ आ गई वो आ गई 42। हाफ के लिए हम क्या लगाते हैं, 1/2 लगाते हैं, तो 42 को हम 2 से क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे, तो हमारी हाफ लेंथ यहाँ पे मालूम हो जाएगी, 2 1 2 2 2 4 2 1 2, तो इसका मतलब ये बन गया आपका 21। तो लेंथ ऑफ फील्ड आपकी कितनी हो गई 21 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हुआ, तो आइए हम जो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 39625 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोंग साइड्स एज ऑफ फेंस। स्क्वायर फील्ड का जो एरिया है वो है 39625 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर कहते हैं हम फोर साइडेड को, तो यहां पर आपको जो एरिया बताया गया वो फोर साइडेड बताया गया है, तो आपने वन साइड के बारे में यहां पर बताना है कि आप एक साइड से लेकर जो है फेंस तक
आपको जो वायर रिक्वायर्ड है वो कितना रिक्वायर्ड है वो आपने मालूम करके बताना है। सॉल्यूशन एरिया ऑफ स्क्वायर फीट 39,625, लेंथ ऑफ स्क्वायर फीट, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसकी लेंथ आ जाएगी, वो आएगी 625। ये वन साइड की लेंथ बताई गई है, फिक्सिंग अलोंग द साइड ऑफ अ फेंस। अब ये आपने जो वायर फिक्स करना है एक साइड से फेंस तक, फोर साइड होती है स्क्वायर में, तो आप 625 को फोर से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2500। तो इसका मतलब ये है कि आपको 2500 मीटर वायर जो है वो रिक्वायर्ड होगी एक जगह से लेकर फेंस तक जाने के लिए। ठीक है, तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। 39,625 का पेयर बन गया, 06 का पेयर बन गया और 39 का आपका पेयर यहाँ पर बन गया। तो अब यहाँ पर हमने 2 का डबल भी लगाया, 3 का भी लगाया, 4 और 5 ये सारे छोटे आ रहे थे। अगर 7 का डबल लगा तो 7 × 49 वो ज्यादा हो रहा है, हमारे पास है 39। 6 का कितना हो जाते हैं 36, 39 में से माइनस कर देंगे 36 को तो रिमाइंडर हमारा 3 आ जाएगा। 6 + 6 = 12, ये 6 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब 06 यहाँ पर नीचे उतर जाएगा तो ये हो जाएगा 306। अब 12 के साथ आपने ऐसा डबल पढ़ना है कि 306 आ जाए। 1 का डबल पढ़ रहे थे तो छोटा हो रहा था डबल, तो हमें 2 का डबल पढ़ा तो हमारे पास आया 244, तो हम माइनस कर देंगे 306 में से 244 को, तो हमारे पास वैल्यू आई यहाँ पर 62। ये 25 आपका नीचे आ जाएगा, ये 2 + 2 आपका 4 हो जाएगा, 12 का 12 हो जाएगा, ये 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 6225 को डिवाइड कराएंगे 124 के साथ, ऐसा टेबल लगाएं कि आपका जो है 6225 आ जाए। तो हमने 2 का डबल भी लगाया, 3 का 4 का टेबल भी लगाया, अब हमने 5 का डबल लगाया तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई 6225। 5 को प्लस कर देंगे 10 हो जाएगा, 1 पर चले जाएगा 415 हो जाएगा, 2 का 2 1 का 1। ठीक है, ये वाला 5 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू का आ गई थी वन साइड टू आ गए 625। ठीक है, 625 को हमने 4 साइड से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आई वाई 2500 मीटर। इसका मतलब ये है कि आपको जो वायर रिक्वायर्ड था वो कितना रिक्वायर्ड था, वहां पर 2500 मीटर आपको वायर रिक्वायर्ड था। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 से आपका कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से आज हमने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 2.6 को हमने आज सॉल्व किया। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर मैसेज करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।